हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी स्टेलिक्स के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ हुआ था। इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ खास नहीं है पोकेमॉन। तो आज मैं फाइनली बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और बचा नहीं है बनाने को, तो सोचा चलो इस पर ही वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो नॉर्मल स्टीलिक्स है, हमारा जो पुराना स्टीलिक्स है, उसके साथ कंपेरिजन भी करेंगे आज। मैंने उसको भी रखा है यहाँ पे, देख सकते हो। और बाकी सब जो ग्रेविटी स्टीलिक्स, शाइनी ग्रेविटी स्टीलिक्स, मेगा ग्रेविटी स्टीलिक्स और जो शाइनी मेगा है, वो सब भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो शाइनी वाला है, आई मीन नॉट शाइनी, द नॉर्मल वन ग्रेविटी स्टीलिक्स, उसका एसएस जो है 540 है। और जो हमारा नॉर्मल स्टीलिक्स है, नॉर्मल स्टीलिक्स, उसका एसएस जो है 510 है। तो 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है स्टैट्स में, ओवरऑल स्टैट्स में। और बाकी सब अभी देखते हैं। इसका टाइपिंग देख सकते हो, स्टील एंड डार्क टाइप है। और जो हमारा नॉर्मल स्टीलिक्स है पुराना वाला, उसका टाइपिंग जो है स्टील एंड ग्राउंड टाइप है। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों का जो इफेक्टिव वीकनेस है वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। तो उसके ऊपर बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे सब देख सकते हो एबिलिटीज़ दोनों का सेम है, कोई चेंजेस है नहीं। तो उसमें मतलब दोनों का सेम ही है, इसमें कुछ बात करने लायक है नहीं। बाकी मैं इसका वो दिखा देता हूँ, मेगा इवोल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो साइड में पेबल्स है, फिर रॉक्स उड़ रहे हैं, वो सब येल्लोविश है। और बाकी डार्क टाइप है, तो डार्क है पूरा ये साला स्टीलिक्स। बाकी मैं इसका ये दिखा देता हूँ मूव सेट्स। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है डार्क टाइप है, तो इसको कुछ डार्क टाइप मूव्स होने चाहिए। इसके पास सकर पंच है, मतलब ये पंच कैसे करेगा सकर पंच, इसके पास हाथ ही नहीं है। ओके, तो ये शायद अपने हेड से करेगा या फिर टेल से करने वाला शायद, जो भी हो। यहाँ पे टीएम्स देख सकते हो, इसके पास बहुत सारे टीएम्स है, डार्क टाइप और इलेक्ट्रिक जो भी है, बहुत सारे इसके पास है। ये सब आराम से टीएम एक्सचेंज से कुछ भी टीएम्स लेके सीख सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो दिखा देता हूँ नॉर्मल वाला हमारा स्टीलिक्स है, इसके पास जो मूव्स है ऑलरेडी अवेलेबल वो दिखा देता हूँ। ये जो है रॉक थ्रो, रॉक स्लाइड, वो सब सीख सकता है। क्रंच, ओके, क्रंच एक डग टाइप मूव है, ये सीख सकता है। बिना डग टाइप होने के बावजूद ये डग टाइप सीख सकता है, आई मीन डग टाइप मूव। मैं पागल हो जाऊँगा ये सब बोल के, मतलब मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लोग कर क्या रहे। अगर ये इन लोगों ने डग टाइप बनाया तो उसको अच्छे वाले डग टाइप मूव्स दो ना। ये जो सकर पंच ये सभी दे रहे हैं भाई, कुछ और अलग नहीं दे रहे जो हमारे डग टाइप वाले ग्रेविटी स्टीलिक्स है, इसको कुछ अलग मूव्स नहीं मिल रहे। तो यही हालत है सभी जो नए पोकेमोन है, उन सबको नए मूव्स नहीं मिल रहे। जो पुराने मूव्स भर भर के है वो सब वापस डाल रहे हैं, इसमें कुछ अलग देना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। और यहाँ पे एबिलिटी देख सकते हो, मेगा होने के बाद इसको स्टर्डी मिलेगा, और जो हमारा नॉर्मल स्टीलिक्स है मेगा होने के बाद उसको भी स्टर्डी मिलता ही है। तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं, बाकी सब मेगा होने के बाद इसको कोई नया मूव्स भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ घुमा के, आई मीन यहाँ पे स्लाइड करके। और ये रहा हमारा जो शाइनी स्टीलिक्स है, ग्रेविटी स्टीलिक्स, इसका एसएस देख सकते हो 600 है। डिफेंस भाई 222 ऑलमोस्ट मैक्सड आउट है डिफेंस। मैंने शायद मेगा ग्रेविटी स्टीलिक्स का स्टैट्स नहीं दिखाया, यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट करके देख लेना अगर मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो डिफेंस है वो 238 है, बहुत सही। अटैक 112, बाकी सब आप लोग पोस्ट करके देख लेना। अभी बात करते हैं जो हमारा लास्ट वाला है, शाइनी मेगा ग्रेविटी स्टीलिक्स। ये लास्ट वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है आउट ऑफ दिस फोर पोकेमॉन, क्योंकि ये शाइनी भी है और मेगा भी है, ऊपर से ग्रेविटी वाला है। तो इसका टोटल देख सकते हो 710 है। अटैक 122, डिफेंस 248, ऑलमोस्ट मैक्स आउट है, दो पॉइंट्स की कमी है, वरना पूरा फुल मैक्स होता है। स्पेशल अटैक इसको नहीं लगेगा तो ठीक है, मतलब इसका स्टैट जो इतना क्रेजी नहीं है, मतलब इतना वो सही वाला स्टैट नहीं है। इसको ऐसे सपोर्ट, ऐसा टैंक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डैमेज डीलर इसको कभी यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो चलो आज के लिए ये पे रखते हैं, बाय।